बेशक तुम मेरे पति हो, लेकिन बिना मर्जी के छुओगे तो रेपिस्ट भी हो। मेरे जिस्म को मेरी मर्जी के बिना जो लगाएगा हाथ, वो रेपिस्ट ही है, चाहे अंकल हो मेरा या वो जिसके रहना है मुझे साथ। उस रात हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनना ज़रूरी है। मैंने तो फिर भी कह दिया, कईयों को सहना पड़ता है, उनकी ये मजबूरी है। दिन ढला और शाम आई, उसके मेरे कमरे में मुझे आने की आवाज़ आई। उसके कमरे में आने की मुझे ज़रा भी खुशी नहीं थी। वो तो कुछ समझता नहीं और मेरी तबीयत सही नहीं थी। उसका मेरे करीब आना अब मसला था डर का, क्योंकि मैं तो बीवी ही थी और वो मुखिया था घर का। हर बार की तरह आएगा बिना मेरी मर्जी जाने, मेरे जिस्म पर अपना हक जमाने। मैं महीनों से चुप थी, मुझे लगा फर्ज है मेरा, पर आज मुश्किल था बहुत चुप रहना मेरा। और उसकी हरकत में कोई बदलाव नहीं था। वो उसने लाइट्स करी ऑफ, खोली अपनी कमीज, अपनी झील मिलाती ईगो के साथ वो आया मेरे करीब। उसने पायल मेरी उतार दी कि कहीं शोर ना मचाए। उसने कंगन मेरे उतार दिए कि कहीं शोर ना मचाए। उसने झुमके मेरे उतार दिए कि कहीं शोर ना मचाए। बस मेरे मन को नहीं उतार पाया, और आज मेरा मन शोर करे बिना नहीं रह पाया। जुबान जो मेरी कब से थी मौन, बोल पड़ी, सुन तू ऐसा भी है कौन। पति ही तो है, नहीं है कोई बात बड़ी, तेरी रोज़ रोज़ की ये ज़बरदस्तियाँ मुझे लगती हैं सड़ी। जब तेरा मन आएगा पास तू मेरे आएगा, मेरे जिस्म पर हक तू अपना जताएगा। मांग में मेरे तूने भरा सिंदूर ही तो है, और इससे जब तुम्हारा मन आएगा तुम मुझे छू लोगे, ये तुम्हारा फितूर ही तो है। मेरे गले में पवित्र मंगल सूत्र को टांग कर, नहीं नहीं आ सकते तुम कभी भी मेरे पास मेरी ना को लांग कर। शादी ही तो करी है, नहीं जिस्म खरीदा मेरा, दहेज भी तुमने मुझसे लिया, और फिर भी मुझ पर ही हक नहीं है मेरा। ये सब कुछ कहकर वो आखिरी थी रात जो मैंने बिताई थी उसके साथ। अब मैं चुप नहीं थी, उसकी कैद से मैं आज़ाद थी, और उम्मीद थी मुझे कि अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए मैं आबाद थी। और सुनो, तुम चाहे पति हो किसी के या हो किसी के प्रेमी, ना का मतलब ना होता है, मत रखना कोई गलत फहमी। एंड शादी इज नॉट अ टिकट टू रेप, जब लड़की मना कर रही है तो मत हो उससे चेप।